अस्सलाम वालेकुम दुरूद शरीफ पढ़ो। ये वो जो 3 पेजेस छोड़े थे वो तीसरा एक कंप्लीटेड यूनिट्स का पॉइंट था और एक क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का पॉइंट था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट न्यू मटेरियल वाले कॉलम में आने चाहिए। न्यू मटेरियल कॉस्ट के डिनोमिनेटर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपेंड करता है कि नया मटेरियल पिछले महीने लगा था इन पे कि इस महीने लगा। अगर इस महीने लगा है, इस महीने फाइफो मेथड है, करंट मंथ कॉस्ट न्यू मटेरियल के डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट आने चाहिए। अगर न्यू मटेरियल इनमें इस महीने लगा है तो समझ नहीं आ रही नहीं तेरे सवाल के साथ बता दूंगा, अभी सवाल कराता हूं तो बता देता हूं। और नए मटेरियल के कॉलम में इसके यूनिट्स आएंगे ही आएंगे। अगर ओनली इफ दो तरह से बातें लिखी थी वही दोनों दोबारा लिख देता हूं। इफ न्यू मटेरियल इज एडेड टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन करंट मंथ, और अगर एक और तरीके से लिखूं तो ओनली इफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन से कम थी। अगर ये स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन से कम थी तो ही इस महीने इसमें मटेरियल डाला होगा। ये भी मैं सवाल के साथ समझा देता हूं। और कन्वर्जन कॉलम में इसके यूनिट्स बिल्कुल जैसे पहले लिखते हैं। P1 कॉलम में इसके यूनिट्स दूध लगा इसमें कि नहीं लगा, कच्चा चिकन है कि नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स P1 कॉलम में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ऑलरेडी क्या बन चुके होंगे, आने चाहिए तो आने चाहिए। सवाल के साथ समझाता हूं। अगर नहीं, जब ये पिछले महीने क्लोजिंग था और अगर ये इक्वल पहुंच गया होता तो उसमें लग गया होता स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल, लग गया होता। मैंने क्लोजिंग में भी जब लिखा था तो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल लिखा था, क्योंकि अगर वर्क इन प्रोसेस 40% है और नया मटेरियल भी 40% भी लगता है तो ये 40% तक पहुंचा होगा तो लग गया होगा नया मटेरियल। तो इसलिए ओपनिंग को इस महीने में नया मटेरियल ऐड होगा तो ही यहां आएगा, और ये इस महीने में तभी ऐड होगा अगर पहले महीने ये स्टेज तक नहीं पहुंचा हुआ था। तो चलिए इसका सवाल कराता हूं। इसका सवाल करना है पेजेस पर कि आप वापस आगे आ जाए, ये तो जगह छोड़ी हुई है ना, ये तो पॉइंट्स पूरे करने के लिए जगह छोड़ी है। इतने सारे पेजेस चले इसको नोट कर रहे हैं, अभी तो कर ले फिर सवाल करता हूं।
चले ठीक है नोटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लेट्स टू प्रोसेस टू फॉर द मंथ ऑफ जो मर्जी सवाल लिखवा रहा हूं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लेट्स टू प्रोसेस टू फॉर द मंथ ऑफ मे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स और ये पहले भी कहा था मैंने यूनिट्स जनरल वर्ड है ये केजी लीटर कुछ भी हो सकते हैं यूनिट सिर्फ वर्ड इसलिए होता है कि क्वांटिटी मेजर हो रही है तो ये यूनिट्स की जगह केजी लीटर ये भी हो सकते हैं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितने बताएं 2500 यूनिट्स और इनकी कॉस्ट सॉरी ये है 50% कंप्लीट ये 50% कंप्लीट है और इनकी कॉस्ट P1 40,000 रुपए 40,000 न्यू मटेरियल डैश नहीं है कन्वर्जन 65,000 चले करंट मंथ डेटा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फोर सिक्सटी और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 26,000 यूनिट्स न्यू मटेरियल कॉस्ट 320,000 320,000 और ब्रैकेट में लिखे 15,000 यूनिट्स 15,000 यूनिट्स कन्वर्जन कॉस्ट 900,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,600 यूनिट्स 1,600 यूनिट्स ये 75% कंप्लीट है न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज प्रोसेस इज 70% कंप्लीट रिक्वायर्ड है हमसे मिल मिला के स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन यूजिंग फाइको मेथड भी और वेटेड एवरेज मेथड भी क्वांटिटी स्केड्यूल ये मैं एफ को से कर रहा हूं पहले
भाई मार्कर नहीं रिफिल हुए अभी तक। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ट्रांसफर इन 26,000। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस और आउटपुट, अरे नहीं नया मटेरियल भी है, न्यू मटेरियल 15,000। आउटपुट 4190। लाइन तो आएगी ही नहीं, कंप्लीटेड यूनिट 41900। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 1600। P1 तो आएगा ही आएगा, नया मटेरियल इन पे लग चुका क्लोजिंग पे कि नहीं लग चुका, तो P1 तो है ही है, नया मटेरियल इस पे लग चुका और कन्वर्जन 75। वेटेड एवरेज है Thank you.
Statement of revelation. वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया. और कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग वर्क इन प्रोसेस में 1600 × ये 1600 × ये और 1200 × ये. चलें एफ को पूरा करें, फिर फाइव को मैं ही करता हूं बोर्ड पर. पूछा कुछ है? नहीं, फाइव को मैं स्टेटमेंट ऑफ वैलिडेशन पूरी. yes, चले मैं इसको फाइव बना के देता हूं और ये वजह समझाता हूं. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स हैं ये 2500, ये प्रोसेस वन के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है. ये प्रोसेस वन के क्लोजिंग, ये पिछले महीने प्रोसेस टू के ही क्लोजिंग थे. तो ये वाले जो यूनिट हैं ये प्रोसेस वन से पिछले महीने प्रोसेस टू में आ गए थे या इस महीने प्रोसेस टू में आए? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अरे पिछले महीने आए थे ना. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस टू का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने किसका क्लोजिंग था? प्रोसेस टू का ही क्लोजिंग था. तो ये प्रोसेस वन से कब आए थे? पिछले महीने आए थे. तो ये पिछले महीने चूंकि प्रोसेस वन से आए थे तो इस महीने में जितने प्रोसेस वन से यूनिट आए हैं वो इतने रुपए के 460,000 रुपए के 26,000 यूनिट्स इस महीने प्रोसेस वन से आए हैं. तो ये 2500 इनमें से नहीं, तो इन 2500 जो के पिछले महीने प्रोसेस वन से आ चुके थे उनकी कॉस्ट ये है.
अच्छा अगर ये कुछ भी समझना है ना तो करना तो सवाल भैया ऐसे ही आपने, ठीक है ये तो याद रखें करना तो ऐसे ही है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स अगर 5 हो तो नहीं आने पी वन वाले कॉलम में, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 2500 यूनिट है ये प्रोसेस 1 से पिछले महीने आ गए थे तो जो इस महीने 460,000 रुपए के यूनिट प्रोसेस 1 से आए हैं वो ये 26,000 है, ये नहीं है। तो जब फाइफो मेथड होगा, फाइफो मेथड, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग के अंदर ये लाइन लिखेंगे, ये नोटेड ना सारा। जब ये लाइन ही नहीं लिखेंगे तो 460 के डिनोमिनेटर में ये आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। 460,000 रुपए के 26,000 यूनिट्स इस महीने प्रोसेस 1 से आए हैं, क्या ये 2500 इनमें से? नहीं है। तो 460,000 के डिनोमिनेटर में ये 2500 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये वही कटा है। जब नहीं आने चाहिए तो यहां पर फिर हम ओपनिंग ये 2500 यूनिट्स इसके डिनोमिनेटर में आने चाहिए, इसलिए हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहां नहीं लिखते। नया मटेरियल इनमें इस महीने में लगा है या पिछले महीने में लग गया था, कैसे पता? क्योंकि पिछले महीने 50% तक पहुंचा था और नया मटेरियल डलता था। और वैसे एक और बात से भी पता चल रहा है, मैंने आपको जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दी हुई है ये कैसे बनी होगी? ये पिछले महीने की कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस थी, तो उसमें नया मटेरियल डैश था, क्यों? क्योंकि लगा ही नहीं था पिछले महीने, तो इस महीने लगा होगा, तो इसलिए अब न्यू मटेरियल के यूनिट्स इसमें आएंगे। अगर इनमें नया मटेरियल इस महीने में लगा है तो नए मटेरियल के कॉलम में ओपनिंग के यूनिट्स आएंगे। या फिर ऐसे याद रख लें कि स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन तक ये पिछले महीने पहुंचा ही नहीं था, तो इसलिए इस महीने में इसके यूनिट्स इस कॉलम में आएंगे। तो ये 2500 यहां पर और यहां पर और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। Three nine. ध्यान इस पे करें, ये नोटेड अभी कर रहे हैं ना यार, नोटेड ये नोटेड कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा ये भी नोट नहीं हुआ अभी, अच्छा उधर कर रहे हैं।
और कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग वर्क इन प्रोसेस 1600 इनटू 11.2 1600 इनटू 3.7.3 1200 इनटू 21.5 ये हो गया अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया तो अब आते हैं लॉस में वो ईपी नोटेड इस पे करना में है ना
कॉस्ट पर यूनिट ऑडिट चौथा पॉइंट, अगर लॉसेस नए मटेरियल के बाद हो रहे, यानी नया मटेरियल डल चुका था तो नया मटेरियल डलने के बाद लॉसेस हो रहे, ये सवाल में आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। ये क्या किया, नया मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले डल रहा है तो लॉसेस तो इंस्पेक्शन के टाइम पे पता लगते हैं ना, तो नया मटेरियल डल चुका था उसके बाद लॉसेस पता चले। अच्छा, अब जो यूनिट खराब हो रहे हैं वो फीके ही चले गए दुनिया से, कि उनमें नया मटेरियल डल चुका था, नया मटेरियल उन पे लग चुका हुआ था, तो नए मटेरियल कॉलम के डिनोमिनेटर में ALAG के यूनिट्स आएंगे और पूरे पूरे ही आएंगे क्योंकि इन पे नया मटेरियल लग चुका था और P1 से तो ये भारल आए ही हुए थे। ये नोट करें, फिर सवाल लिखें। हाँ, बल्कि नहीं, न्यूमेरेटर में भी एक बात बतानी, इसको नोट करें फिर आगे बताओ। अच्छा, यहां पे लिखो कि ओनली इफ, नहीं ना भाई, ऊपर लिख दिया हुआ है ना, ऊपर लिख दिया हुआ है कि अगर लॉसेस नए मटेरियल डलने के बाद हो रहे हैं तो जो लॉसेस हुए उन पे नया मटेरियल भी लगा हुआ था और P1 से भी वो आए हुए थे, इसलिए इन दोनों की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में AL के यूनिट्स आने चाहिए, जिनके सारा कुछ ऊपर से जा रहा है ना, करना ऐसे ही होता है सवाल। अच्छा, अब ये 0.5 इसी तरह का एक और लिखना है, तो उस 0.5 की जगह छोड़ के EP वाली हेडिंग बस खत्म। अब मैं एक हेडिंग डाल के कुछ नसीहतें बता रहा हूं, न्यूमेरेटर 0.4 लिखा है ना, 1.5 और लिखना है, उसके लिए भी ऐसे इतनी जगह चाहिए है? अभी दो पेज छोड़े हैं ना, हाँ तो बहुत है। ये वही जो अभी जगह छोड़ी हुई लिख रही है ना, वही लिख रहे हैं, वो जगह बच्चों के लिए छोड़ के रखनी है, वही उसी पे लिखवा रहा था सारा कुछ। 0.4 लिख लिया, इतनी ही जगह तकरीबन 0.5 के लिए लिखूंगा, फिर मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हेडिंग देके ये सारा कुछ बताया था, वो हेडिंग खत्म, फिर उसके बाद यानी 0.5 के बाद प्रोसेस 1 तक जो पड़ा था, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से माइनस करते हैं, मटेरियल कॉलम से, तो अब तो कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम भी 3 होंगे, तो अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से माइनस कर दें, P1 से। अच्छा, मिड टर्म में ये प्रोसेस कॉस्टिंग तक है
और ज्वाइन बाय नहीं पढ़ा सका तसल्ली बख्श, इसलिए ये यही प्रोसेस टू तक है मिड टर्म में, जो सैटरडे वाली क्लासेस है वो मिला के नहीं, वो शामिल है, वो शामिल है ना भाई, नहीं कौन सी सैटरडे वाली क्लास, हाँ वो जो परसों की है, वजह वजह भाई यार उसमें एंट्री सी करा दी, प्रैक्टिस भी करा दी, और उसमें क्या करना है, कोई बात नहीं, नहीं इस सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूंगा ना फिर, सैटरडे को नॉर्मल तो है ना भाई क्लासेस। अच्छा अभी जो बात बता रहा हूँ वो जरूरी है, ये जो मिड टर्म है ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस वॉचिंग में प्रोसेस टू वगैरह सारा पढ़ लेंगे, यहां तक जो हफ्ते तक पढ़ लिया होगा, ज्वाइन बाय भी अगर मैंने करा दिया तो वो नहीं है, ज्वाइन बाय प्रोडक्ट चीज है वो नहीं है मिड टर्म में, उससे पहले पहले सारा है, और ये प्रोसेस वन की प्रैक्टिस ही हो जाएगी, तो एक टेस्ट ही दे दे वेडनेसडे को दे, वेडनेसडे ये उसने भिजवाया था अंबर ने, चलो ठीक है बस उसको मरीन को वापस कर देगा, अगर ठीक मैंने पढ़ लिया क्यों नहीं, वो भी जाके पार्लियामेंट बोल के आ जाऊंगा, नया मैं फ्री क्लास, ये नोटेड, कितनी जगह बच गई, दो पेज रहते हैं अभी, डेढ़ रहता है, चले मेरा ख्याल है एंड पे आपके पास कोई पौना एक पेज बची जाना है, प्रॉफिट हो जाएगा आपका। चले सवाल लिखें, क्या मतलब टाइम खत्म हो गया, ये अभी नहीं लिखना है, अभी इस हेडिंग का पॉइंट टू बहुत बड़ा सा पॉइंट है, वो आना है अभी, ये जो अभी जगह बची हुई है वो बची हुई है, अभी इसका पॉइंट टू मैंने लिखवाना है कल, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, इसका फार्मूला बना के देना है आपको, हेडिंग चले फिर एक सवाल होमवर्क है, होमवर्क है होमवर्क 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 ऐसे जिन्होंने यहां बैठ के करना, बैठे बैठे बिल्कुल यहां बैठ के करने सवाल, ऑटम 16 अटेम्प्ट का सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन 10 बेल एंटरप्राइजेस पेज 120, इसका पार्ट ए और बी करना है और पार्ट सी की जगह छोड़ देना, पहले भी जहां जहां एंट्रीज के सवाल थे तो उसकी कहां तक जगह छोड़ने, तो पार्ट ए और बी करना है आपने, सी की जगह रख लेना, ये कर क्या आइएगा जी, पार्ट ए और बी करना है, बेल एंटरप्राइजेस ऑटम 2016 पार्ट ए और बी करना है, किसका, अच्छा एक मिनट दुकान बंद कर दी, मैंने कहा बस खत्म क्लास, हाँ चले ठीक है अल्लाह।